Assalamualaikum, hope you are doing great. तो आ गया है आज का अपना गेम प्ले, तो देख लेते हैं कि वाइट आउट सर्वाइवल में आज कुछ नया आया है या पुराना ही चल रहा है। ओके, तो अरीना में हम टॉप 500 में नहीं आ पाए क्योंकि बहुत तगड़े प्लेयर आ चुके हैं हमारे अरीना में। डील्स में देख लेते हैं। ओ भाई साहब, मेरे प्यारे भाई साहब, कहानी तो ख़त्म हो गई है भाई। हमारे स्टेट 129 में हेंड्रिक आ चुका है, जनरेशन 8 का हीरो, S8 सीज़न 8 का हीरो है, हॉल ऑफ हीरोज़ में अपना हेंड्रिक आ गया है भाई। मैं क्या बोलूँ, मेरे पे कुछ नहीं है बोलने को, आज ही आ गया, इतना पता नहीं था मुझे। ओके गाइस, अपने पास डायमंड्स की कमी है और डायमंड्स की कमी मुझे पूरी करनी पड़ेगी इधर से। इधर हम यूज़ करेंगे पंद्रह सौ, तो टोटल नहीं है 150, ये वाले यूज़ कर लेते हैं। हमारे पास हो गए हैं 15,000, जिसको हमें चाहिए हैं कितने, 14,850 चाहिए थे, तो ये हम कर लेते हैं परचेज़ हो गया। अब ले लेते हैं अपने हैंड्रिक। अबे यार, इतने नहीं ले सकते, वापस चलो, अपने पास तो 100 है सिर्फ। अच्छा, अपडेट के बाद ये भी उन्होंने ठीक कर दिया है। तो भाई, अपना हैंड्रिक अपनी जेब में आने वाला है, ये रहा, रिक्रूट कर लेंगे। द सी इज कॉलिंग। ओके, रिक्रूट। लो भाई, आ गया अपना द सी इज कॉलिंग हैंड्रिक, जिसका मैंने आप लोगों को बताया था कि आने वाला है। जैसे ही टंड्रा ट्रेडिंग स्टेशन आया था, मैंने आपको बता दिया का कि वहाँ पे हमें S8 के मिल लग गए थे, क्या बोलते हैं उसको, एक तो माइंड से जो चीज़ निकल जाती है, इसको क्या बोलते हैं यार, ये वाले कस्टम हीरो विजिट चेस्ट्स, ये मिलना शुरू हो गए थे और मुझे अंदाज़ा हो गया था कि हमें ये मिलने वाले हैं जल्द अज़ जल्द। तो गाइस, हैंड्रिक हमने ले लिया, और ऑफिसर प्रोजेक्ट भी आया हुआ है क्या, इसको भी देख लेते हैं फिर, क्या मिशन है इसके। रीव रेज मैक्स चीफ गियर, ठीक है भाई, और कुछ नहीं पढ़ता। ना, और पढ़ा तो गुनाह मिल जाएगा। पहले हम देख लेते हैं हम लगाना क्या चाहते हैं। अब हमारे पास देख लेते हैं माल कितना पड़ा है। जो एसेंस स्टोन्स हैं वो हमारे पास पड़े हैं 409। और गाइस, मज़े वाली बात है, डिज़ाइन प्लान है अपने पास 470। तो कौन सी चीज़ मैं ऐसी यूज़ करूं कि मुझे जल्दी से मेरा ये ऑफिसर प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाए। तो गाइस, होप सो, हमें यूज़ करने पड़ेंगे अपने मिथिक फोर्जिंग में, हमें मास्टरी फोर्जिंग में सेबोटर बेल्ट को यूज़ कर लें तो बेहतर रहेगा मेरे ख्याल में। गेस्ट रहता ना, आप 70 यूज़ होंगे ये, लेकिन 70 इतने यूज़ करके मैं करने क्या वाला हूँ। इसके देखते हैं कितने, लेवल 6। इसके कितने हैं, लेवल 5। लेवल 4 से 5 ना कर दिया जाए, 50 लगा देते हैं। क्या मिशन हो गया है, क्या मिशन, नहीं अभी तक नहीं हुआ भाई, क्या चाहते हो भाई, इतने मैंने यूज़ कर दिए हैं, अभी भी नहीं तुम रजे, तो गाइस दफ़ा करो, हम इसको रजा नहीं सकते। हम देख लेते हैं इधर किसी शार्ट से हम कोई काम चला सकें तो। लो भाई, इसको यूज़ कर देते हैं, यूज़ मी एज अ ब्लेड को, इसको भी तो अपग्रेड करना है ना हमने। क्या मिशन हो गया है, अभी तक नहीं हुआ भाई, अभी 452 यार, ये क्या, मैं ख़त्म हूँ, अब मेरे पास कुछ नहीं है बोलने को, मेरे पास कुछ भी नहीं रह गया बोलने को। ये गियर्स हैं तो फिर गाइस, अब ज़ीरो वाला कोई गियर है अपने पास लेवल 1 से लेवल 2 पे करने के लिए, हम यूज़ कर लेते हैं
नोरा 20 यूज़ करने पड़ेंगे गाइस, नहीं तो बुरी बात यार, ये बहुत बुरी बात है। साइन इन यार, ये भी तो चल रहा है अपने, इसको दफ़ा करो। 572 पे चले गए, इतने एसेंस स्टोन मैंने ज़ाया कर लिए गाइस, ज़ाया तो नहीं किए, खैर मैंने किया अपने लिए गाइस। अब आपकी कोई चीज़ बतानी है मैंने, अब आप ये बिल्डिंग क्यू, ट्रूप्स ट्रेनिंग, टेक रिसर्च, अलायंस कंट्रीब्यूशन, रिक्रूट हीरोज़, पेट एडवेंचर, ट्री ऑफ लाइफ, जो जो चीज़ें आप लोग कर सकते हो बस उस पर क्लिक करना है। अपडेट में ये बहुत अच्छी चीज़ दी है इन्होंने, आप अपनी मर्ज़ी से ये चीज़ें कर सकते हो, बस इधर से इसको ओपन करना है, जो जो कंप्लीट है उस पर टच करते जाओ, डायरेक्ट आपको वहाँ ले जाएगा। मुझे तो यार ये बड़ा अच्छा लगा, मैंने नोट आज किया, मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को क्या पता था ये चेंजिंग्स आई हैं यहाँ पे या नहीं। और गाइस अपडेट में ये जो इन्फर्मरी है इसके प्लस को इन्होंने ग्रीन कर दिया है गाइस, ग्रीन समझ रहे हो ना, अगर नहीं पता तो आपको मैं बता देता हूँ कि इसको ग्रीन उन्होंने कर दिया है, इसको भी, इन्फर्मरी को भी, और जो हॉस्पिटल है सिटी में उसको भी, वो भी मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ जाके, कि इन्होंने हर एक चीज़ को कर दिया है चेंज, फॉर अ चेंज। किधर है किधर है, ये देखो इधर भी प्लस हो गया है। अबे यार ये ग्रीन, हाँ ये देखो क्लिनिक को चेक कर लो, वो ग्रीन हुआ पड़ा है गाइस। यही तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि अपना अपडेट उन्होंने अच्छी दी थी, लेकिन हमें पता, ओ लो भाई ये नहीं चाहिए मुझे, ये मेरे पास ऑलरेडी हैं। किस्मत आजमाएंगे, अपनी लेबॉर्ट्री को भी देख लेते हैं जल्दी से। 1 2 1 1 1 3 3 1 2 5 6 7 8 10 15, और ये एडवांस रिफाइन क्लिस्टर हमें मिले, दो 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 दो, अब बे यार एक मिला है गाइस। किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी हमारी कि हमें ये मिल सके। गाइस कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, आज हर किसी अलायंस में न्यू हीरोज़ ऐड कर दिए गए हैं, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप कौन सी स्टेट के बंदे हो जो मेरी वीडियो देख रहा है, और कौन से हीरो आपकी स्टेट में आज आए हैं। और वैसे मुझे तो उम्मीद है 110% ओके यार इसको चेंज कर लिया जाए, क्योंकि आज हमारे पास आ चुका है हेनरिक, कंफर्म कर देते हैं, कीप करंट कर देते हैं। ओके द सी इज कॉलिंग, लो भाई ऑक्टोपस है इसके सर में और ये तबाही है। अब किसी को नहीं पता कि ये किस चीज़ का हीरो है, तो मैं आप लोगों को अभी से बता देता हूँ। इसके तो मैं गियर उतार के लगाने वाला हूँ अपने गोल्डन, ये हेनरिक को, ये है हेनरिक गियर, ये हो गया इधर। अब इसको ड्रिल कैंप में भी डालना पड़ेगा, तो पुराने किसी हीरो को उठाएंगे और इसको भगाएंगे, तो हीरो को भगाने के लिए हम भेजने वाले हैं इसको। कंफर्म करो भाई, इसको निकालो, 500 क्रिस्टल लगाओ, और अपना हेनरिक ये रहा, इसको कर दो ओके, डायरेक्ट लेवल 80। आपने भी ऐसे ही करना है भाई, कुछ और नहीं करना, सिंपल से रूल है, इसको बस फॉलो करते जाओ। किधर गया हेनरिक अपना, ओके ये पड़ा हुआ है हेनरिक अपना। गियर्स इसको मैंने लगा दिए हैं, अब बात है इसको अपग्रेड करने की। हमारे पास पड़े हैं, अगर एक्सेंट करते हैं, गो पे करते हैं, तो 10 स्टार लगेंगे, 1 स्टार हो जाएगा हमारा। 1 स्टार तो हम नहीं करने वाले, इसको डायरेक्ट 3 स्टार पे ही करेंगे हम, तो लेकिन ये हम करेंगे प्रिपरेशन फेज़ में, आप लोगों को पता ही है पहले हम कुछ नहीं करते, तो रूटीन की चीज़ें भेज लेते हैं, मार्चिस मस्ट लेवल 8 की। और गाइस इम्पोर्टेंट थिंग है, आज आखिरी दिन था, जिसने भी अलायंस शोडाउन जीतना है उधर जाके चुप करके अपने माल गोदाम लगा दो। वैसे मैं तो रिकमेंड करूँगा कि SVS में प्रिपरेशन फेज़ में ही तुम लगाना, लेकिन फिर भी अगर तुम लोग लगाना चाहते हो, विलिंग हो जीतने के लिए, तो 12 घंटे कुछ टाइम पड़ा है, मैं आपको दिखा देता हूँ, पाकिस्तान के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ, ये है अलायंस शोडाउन, 11 घंटे पड़े हैं। अब इंडिया के मुताबिक यहाँ पे आधा घंटा आ गई है, यह पता नहीं पीछे है, तो मेरे ख्याल में पीछे है, उधर 12 मतलब उधर 11 घंटे रह गए होंगे गाइस, तो
तो चुप करके, ये 11 घंटे रह गए हैं उनके पास, तो ये देख लेना। अगर मेरे इंडिया के भाई देख रहे हो तो रैंकिंग शैकिंग का रिवार्ड का चक्कर है, सारा रिवार्ड आपको मैंने उस दिन दिखा दिए थे, अगर नहीं पता तो मेरी पिछली वीडियोज़ देख लेना। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले गेम प्ले में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब गेमिंग फन ज़ोन। अल्लाह हाफिज़।